देखा। उस दिन वचन मानता तो सुदामा तो आज ही कर्मदान होने के लिए बढ़ गई, क्योंकि तूने मेरे बे बात को ठुकराया था और आज तू अनुभव कर रहा है। मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूँ, जो वचन दे रहा हूँ आज फटिक माना की साधना दे रहा हूँ, तो अगला वर्ष कैसा मैंने पता है, आपसे धारण करोगे तो अनुभव करोगे कि आपसे आपकी जो सुनने का संकल्प है। फिर ये बात दोबारा नहीं होगी, फिर ये दोबारा बात नहीं होगी, दोबारा बात मैं इस मणिमाला को प्रयोग करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, ये तो गुरु जी जाने या गुरु जी का कहना है। इसलिए मैंने अनुभव किया है, गुरु जी बहुत सारी साधनाएं देते थे, मैं भी तुम्हारे से बैठता था अहंकार के कारण, मैं तो गुरु को लेकर बैठा हूँ, ये मणिमाला साधना क्यों करूंगा, लेकिन आने वाला कल तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला, मैं इस बात को जानता हूँ। और जब नहीं लेते उस दिन उस दिन पछता होगी क्या हुआ, उस दिन मैं कहूंगा तो मणिमाला डाले तो कुछ नहीं हुआ। छोटा सा उदाहरण हमारा मनोज कल दे रहा था, मुझे पता नहीं लेकिन वो दे रहा था, प्रेम और मैंने अभी एक्सीडेंट की बात सुनाई आप, ओ दोनों मिलकर कहते इस साल हर एक को भी कई प्रश्न नहीं आने के लिए युगादी के दिन, युगादी को आप जानते हैं पहले समस्या का पहला वर्ष होता है, उस दिन राशि के अनुसार अंगूठियां पहनने के लिए देता हूँ। हम उस दिन काम करते करते हुए जब एक्सीडेंट हुआ बाहर आ गए सब देखा, तो मनोज गिरा था जो पीछे था, असल में उसको मार रखना जा रहा था, उसका सर फटना था, फटा प्रेम का, बाद में सारे कार्य हो गया, तो बाद में प्रेम को लेकर मनोज ने पूछा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अरे तुम ये अंगूठी का गई, बोला मैं हाथ आते वो बहुत स्पीड में निकाल के रखा, तुरंत ऐसा ही घर में आया मार रख के जो आया मेरे नीचे अंगूठी का आया मुझे हाथ में पहना होगा, मैं ये बात तुम्हारे को आने वाला ऐसा कोई कार्य ना, ऐसी कोई दुष्टता आपके जीवन में ना, क्योंकि ये मणिमाला प्रयोग तो बार बार नहीं होता, इसके पीछे कोई रहस्य होता है, आपकी साधनाओं में अड़चना है, आपके जीवन में कोई दुखित घटना ना घटे, आप एक श्रेष्ठता के साथ जीवन जिए और साधनाओं को करते हुए आप आगे बढ़े। आज कल जो साधना दे रहा हूँ इससे भी दिव्य साधना दे रहा हूँ, उस दिव्य साधना में आपको कोई अड़चन ना आए, आप साधना करने में हिचकिचाहट ना हो, गुरु जी आज नहीं रहे आज वो साधनाएं भी ले रही, जो आज अगर मैं मेरे पास करोड़ रुपए भी है तो मुझे वैसा साधना देने वाला कोई नहीं मिला, गुरु जी जाने के बाद क्या हुआ, गुरु जी का वचन नहीं माना, आज उस दिन अगर गुरु जी का वचन मानता था वो साधनाएं लेता था तो आने वाले कल के लिए एक मैं महान बनता था, आज उनकी की हुई 100 साधनाओं में मैंने केवल 20 या 25 साधनाएं की होगी जो आज यहाँ खड़ा, अगर उनकी 100 साधनाएं लेता तो आज सिद्धाश्रम पहुंच जाता, क्योंकि मैं कभी हिचकिचाहट करते हुए ये मानता रहा मेरे पास आज पैसे नहीं है, गुरु जी तो कभी भी यही साधनाएं देते हैं, आज साधना करा नहीं करा कल, लेकिन यह कल नहीं आएगा, क्षण गुरु पहचानता है और उस क्षण के अनुसार तुम्हें देता है, और कभी गर्व के साथ की साधना को छोड़ दिए तो आप छूटे, आप छूट गए कि आपका कल कैसा होगा आपको पता नहीं, उस दिन होने से कुछ नहीं आएगा, उस दिन बाधा उस दिन संकट अवलोकन से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जानता है आपका कल क्या होने वाला है, और इसलिए वो साधनाएं देता है। आज सभी माना महिमाला का प्रयोग आपको ऐश्वर्य प्रदान करेगा, जिनको घर नहीं है उन्हें घर देगा, जिन्हें सुख नहीं है उन्हें सुख देगा, जिनको प्रश्न बिगाड़ेगा नहीं उनको उस आनंद को प्रदान करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं नहीं सिद्धार्थ की योगी कह, आज राशि के अनुसार मैंने छठी मणिमाला में एक और ज्यादा ही काम कर दिया है, उसके साथ मैंने फटिक का गुरु यंत्र भी बनकर उसमें रखा है, इसलिए कि आप मणिमाला पहनने के हिचकिचाहट में अनुभव करो, बहुत लोगों को अपने आप के सौंदर्य पर दर्द, लेकिन आपको नहीं मालूम आप छठी मणिमाला में पहन लो चैलेंज दिन, और आपके सहभोग का ओस देखो तेज देखो किस तरह बढ़ता है, आपका ज्ञान का तेज देखो, आपकी शरीर की उज्ज्वलता देखो किस तरह बढ़ती है, निरोगी काया एक उज्ज्वलता है, बड़ी मणिमाला पहनते हो तो आपकी शरीर को आप जानेंगे कि आप कैसे रोग ग्रस्त है, और उसमें जो मैंने यंत्र दिया है जो उस बड़ी का संयंत्र है, तो इस बड़ी के इस यंत्र को केवल इसलिए दिया हूं कि आप कहीं भी बाहर जाते समय उस बड़ी के यंत्र को साथ में रखकर गुरु मंत्र को करें, आप बड़ी के यंत्र को आपके पास उसका लॉकेट बना लें इन मंत्रों के साथ, या आपकी अंगूठी बना लें, या आपके पास केवल पर्स में रख दें और उसको सामने रखकर इस मंत्र को केवल 11 बार बोलें, आप अनुसरण अनुभव करेंगे इस पंडित का यह गुरु यंत्र कभी आपको नहीं देने वाला, लेकिन आज मैं उसके साथ दे रहा हूँ ताकि मणिमाला आप राशि के अनुसार पहनेंगे तो इस पंडित का गुरु यंत्र आपके साथ रहेगा और उस मंत्र जब आप करेंगे और अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में गुरु आपके साथ है, आपकी साधना में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, इसलिए मैंने उस पंडित के गुरु यंत्र को आपके साथ इस मणिमालाओं के साथ दिया है। अभी रही बात अपने जीवन में एक साधना किस तरह, उसमें मैंने लिखा है कि 100 मालाएं करने से वो मणिमाला सिद्ध हो, लेकिन मैं आज इसको भी उसको भी कम करते हुए कह रहा हूं, केवल आप आपकी मणिमाला जो धारण करने वाली है उसको सामने रख लें और स्फटिक यंत्र को सामने रख लें, और दूसरी सफेद स्फटिक माला के साथ जो आपके राशि के अनुसार मंत्र है उसकी केवल 5 माला जप करें मेरे सामने बैठकर आज अभी यहीं, और उसके बाद कल सुबह
उस बड़ी मणि माला को धारण करें और सफेद बड़ी मणि माला जो है उसके साथ एक माला मंत्र करके हुए तीन तीन की आहुति होम कुंड के पास जाकर दे दें, तब वो माला सिद्ध होगी। आपको 100 माला करने की जरूरत नहीं, केवल 5 माला और एक माला आहुति के साथ ये माला सिद्ध हो जाएगी। कल सुबह आप 5 या 7 बजे जब भी उठेंगे होम कुंड के पास जाना और वहां अभी प्रज्वलित है उसमें जो आपके राशि अनुसार का मंत्र है उसको तिल और घी के साथ एक माला आहुति दे लेना। उसमें उससे आहुति डालने से पहले माला को धारण कर लेना और जो बड़ी माला आपके साथ है उस मणि माला के साथ जप करते हुए आहुति डालना और गुरु यंत्र को अपने बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में रख लेना। नहीं हो सकता है तो लेफ्ट हैंड में बड़ी माला और रख लेना और मंत्र से और के साथ बोलते हुए उस माला को आपकी राशि के अनुसार जो माला उसको धारण कर ले और एक माला आहुति ले लें, बस आपकी वो माला सिद्ध हो जाएगी। गुरु जी ने उसमें लिखा है कि 6 महीने धारण करने से ठीक होगा। मैं आपको कहता हूँ कि 6 महीने धारण करने के बाद पानी में विसर्जन करने की जरूरत नहीं। आपके राशि वाले और कोई लोग आपके घर में है तो उनको आप ये माला धारण करने के लिए दे सकते हैं, उनको भी वही प्रभाव होगा, उनको भी वही साधना करने के लिए बोले कि आपकी राशि के अनुसार कोई है तो उनको ये महिमाला धारण करने के लिए आप दे सकते हैं। इस पटिक यंत्र को, पटिक गुरु यंत्र को कभी भी आपके पास रखें, इस यह साल पूरा रखें, उसके बाद आपके लोगों को किसी को भी दे सकते हैं। जिस यंत्र को आप रखकर आपके राशि के अनुसार केवल 5 बार या 11 बार मंत्र जप कर उस पटिक को मणि को या स्पटिक गुरु यंत्र को आपके साथ रखते हैं तो जीवन भर रख सकते हैं। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कितनी दिव्यता आई है। मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ हर राशि के अनुसार, अपने अपने राशि के अनुसार मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। मैं पहले आपको मेष राशि से आरंभ करते हुए लेता हूँ। आपके हाथ में आपकी धारण करने वाली माला आपके हाथ में पकड़ लें और मैं मंत्र मेरे साथ उच्चारण करें। वाली आपके हाथ में पकड़ लें, ऐसा पकड़ लें। मैं मंत्र बोलता हूं, मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। पहले मेष राशि और उसके साथ साथ स्फटिक गुरु यंत्र को भी आपके अपने साथ रख लें। मेष राशि वाले मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें, बोले ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। एक बात याद रखें, धारण करने वाली माला को कल सुबह चंदन अक्षत फूल से पूजा करके धारण कर ले मंत्र जप होने के बाद। ये बात आप याद रखें, माला धारण करने से पहले उस माला की पूजा करें। वृषभ राशि वाले ओम क्लीम व्यापारोन्नति ह्रीम नमः। ओम क्लीम व्यापारोन्नति ह्रीम नमः। ओम क्लीम व्यापारोन्नति ह्रीम नमः। मिथुन राशि वाले ओम कामरूपिण्ये नमः। ओम कामरूपिण्ये नमः। ओम कामरूपिण्ये नमः। कर्क राशि वाले ओम क्लीम हूं मम शत्रु नाशयति हूं फट। कर्क राशि वाले को अमुक नहीं होना चाहिए, ओम क्लीम हूं मम शत्रु नाशयति हूं फट। ओम क्लीम हूं शत्रु नाशयति हूं फट। सिंह राशि वाले ओम क्लीम बीज रूपिणे महाकालिकाये क्लीम फट। ओम क्लीम बीज रूपिणे महाकालिकाये क्लीम फट। ओम क्लीम बीज रूपिणे महाकालिकाये क्लीम फट। कन्या राशि वाले ओम वम मम एह जाग्रे ह्रीं हूं नमः। ओम वम मम देह जाग्रय ह्रीं रूं नमः। ओम वम मम देह जाग्रय ह्रीं रूं नमः। तुला राशि वाले ओम श्रीं हूं कुसुमे नमः। ओम श्रीं हूं कुसुमे नमः। ओम श्रीं हूं कुसुमे नमः। वृश्चिक राशि वाले ओम राम शतपत्रिके
राम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम राम शतपत्रिके राम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम राम शतपत्रिके राम ह्रीं श्रीं स्वाहा। धनुराशि वाले ओम त्यों सुलोचनायि देव पुत्रं देहि देहि नमः। ओम क्लौं सुलोचनायि देव पुत्रं देहि देहि नमः। ओम क्लौं सुलोचनायि देव पुत्रं देहि देहि नमः। मकर राशि वाले ओम श्री शह स्वाहा। ओम श्री शह स्वाहा। ओम श्री शह स्वाहा। कुंभ राशि वाले ओम ऐं कमलिनी हां ही हूं फट स्वाहा। ओम ऐं कमलिनी हां ही हूं फट स्वाहा। ओम ऐं कमलिनी हां ही हूं फट स्वाहा। मीन राशि वाले ओम हूं हां काली करालिनी शौं फट। ओम हूं हां काली करालिनी शौं फट। ओम हूं हां काली करालिनी शौं फट। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि हमने धनु राशि वालों को इसमें कहा है कि ओम क्यों सुलोचन आदि देव पुत्रम जय जय नमः। धनु राशि वालों के लिए यह राश बृहस्पति अस्त होने के बाद आ रहा है, उनके पुत्रों को कोई कष्ट ना पहुंचे, इसलिए सुलोचना के पुत्र क्या है कि भगवान सुलोचना मेरे पुत्रों को अच्छी तरह रख, इस साल उनके पुत्रों को कुछ भी रोग राय रोग या ऐसे सता सके, इस साल ये नहीं कि मुझे पुत्र दो, मेरे पुत्र को सुलोचना के अच्छे नालों के साथ रक्षा करो, ऐसा कहने के लिए धनुराशि वाले के लिए मंत्र दिया गया है। ऐसा नहीं मुझे पुत्र प्रदान करो, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर राशि का मंत्र हर एक के पीछे, इसका अर्थ यह है कि शत्रु कर्क राशि वालों का शत्रु इस वर्ष में जागृत रहते हैं, इसलिए उनको मार नहीं मारा पानी चाहिए, क्योंकि काल को गुरु पहचानते हैं और सिद्धासन के अनुसार वो कहते हैं जब मंत्र देते हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई मार्ग होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तभी ये मंत्र उनके मुख से आते हैं और साधना अपने से की और अपने मार्ग के साथ दी जाती है। तो उन लोग अपनी अपनी राशि में ऐसा कहें कि हमारे इस बार शत्रुनाशी का मंत्र कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि वालों को इस बार शत्रु की ज्यादा पीड़ा इस वर्ष रहती है और उनको उस पीड़ा को न होने के लिए इस फटिक में माला का धारण करना श्रेष्ठता कहलाया गया है। इस प्रकार हर मंत्र के पीछे कोई ना कोई एक रहस्य है, इसलिए यह मंत्र दिया गया है। आप सभी लोगों को अभी पांच माला जब करने को कहता हूँ और कल सुबह स्नान आदि होने के बाद गुरुमंत्र जप करने के बाद आप तिल और घी के साथ एक माला मंत्र जप की आहुति दे दें, अपने लेफ्ट हैंड में धारण करने वाली माला सॉरी स्फटिक माला और गुरु यंत्र को स्फटिक गुरु यंत्र को रख लें और उस मणिमाला को धारण करके आहुति प्रदान करें कल सुबह, इससे ही साधना और मणिमाला सिद्ध हो जाएगी। आपको आशीर्वाद देता हूँ, पांच हमारा मंत्र जप अभी यहीं बैठे बैठे करें, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, पहले पांच हमारा मंत्र जप करें, पांच हमारा मंत्र जप के बाद मैं एक 10 मिनट में अभी जाकर आ जाता हूँ, तब तक पांच का मंत्र जप पूर्ण करें और अपने मन में गुरु जी के प्रति अपना प्रेम अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति इसके उनके चरणों में अर्पित करते हुए कहें कि साधनाओं में हो या इस साल मेरे जीवन में हो, किस प्रकार का कष्ट मुझे प्रदान न करे प्रभु, और मैं साधनाएं करता रहूं, सिद्ध होता रहूं और आगे जाता रहूं, किसी प्रकार के मेरे जीवन में मेरे व्यापार में मेरे नौकरी में मेरे शरीर के रोग राय या मेरे पुत्र मेरी सुख संतति मेरी संतति को या मेरे गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, इसलिए इस मणिमाला को धारण करने का प्रयोग आज कर रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रदान करें, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार का संकल्प करते हुए साधना को आरम्भ करें, पांच माला मंत्र जप करें, उसके बाद में सुबह आप एक माला आहुति डालें और मेरे पास आए, मैं इसके बारे में आगे कह सकता हूँ।